यूपी के बदायूं में सरेआम रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है। यहां से हसवान की उप स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एएनएम सरेआम रिश्वत लेती है। बताया जा रहा है कि केंद्र में जितने भी डिलीवरी केस आते हैं वो उनसे रकम वसूलती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता पवन तोमर का रुख करते हैं। पवन, रिश्वत लेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, ये मामला सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, सहसवान में पड़ता है, लेकिन मुजरिया चौराहे की बात है। ये मुजरिया चौराहा अलीगंज पड़ता है, वहाँ पर उप केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर जो एनएम है, एनएम जो है रेणुपाल हैं, वो खुले में रिश्वत ले रही है। उनकी इतनी बड़ी भ्रष्टता है, वो उस पावर में उन्हें अपना ये सत्ता के दम पे कि मेरा कोई कुछ भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें वो खुली में रिश्वत ले रही। चाहे कोई गरीब सही, कोई कैसी महिला सही, जो डिलीवरी केस आते हैं उनके फिक्स है बंधे हुए। अगर कोई लड़का होता है तो उससे 1200 रुपये लड़की पे, और लड़का होता है तो उससे एक्स्ट्रा कितना एक्स्ट्रा दाम जाता है उसका कोई पता नहीं। एक मामला सामने आया था, सुनील कुमार ढकपुरा के रहने वाले हैं, वो अपनी पत्नी को, गीता नाम है उनका, उनको लेके आए थे। उनको जो है वो 700 रुपये की रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन 700 रुपये नहीं लिए। मैम बोली, मैडम जो है रेणु, वो ये बोली रेणुपाल कि मुझे, मैंने पहले तय कर लिया है, जब 1200 रुपये में बात हुई तो 700 रुपये किस बात के, पूरा 1200 रुपये ही चाहिए। और पूरा 1200 ही लिया, सारा हमारी कैमरेमैन ने सारा जो है पूरा, हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था इस पकड़वाने के लिए, सारा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, सारा इनका जो रिश्वत की वीडियो है वो सारे रिकॉर्ड हुई है। पवन, सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने में लगी है, लेकिन सरकारी कर्मचारी हैं कि मानते ही नहीं। सर, सरकार जो है भ्रष्टाचार मिटाना चाह रही है, लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो किसी कीमत पे मिट नहीं दे रहे हैं। उनका ये है कि हम वहाँ से तो आएंगे नहीं, मुख्यमंत्री साहब सही चाहे जो है, योगी साहब, कोई भी नीचे स्तर का जो अधिकारीगण है, वो किसी कीमत पे भ्रष्टाचार हटाने को तैयार नहीं है। वो खुली, वो सबसे बड़ा ये है, उन्हें डंडी इस तरीका से नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। अब यही मैडम है, इन पर थोड़े दिन के बाद निलंबित कर दिया जाएगा, जब इन्होंने अधिकारी सांठ गांठ होकर फिर इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। जब तक अधिकारियों के लिए इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। पवन, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? इसको लेके सीएमओ बदायूं से बात हुई हमारी, सीएमओ ने बोला है कि मैं इन पे कार्रवाई करूंगा। इसके बाद जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसवान पे जो निरीक्षक हैं उनसे मेरी बात हुई, मैंने सारी वीडियो सेंड की है उनके लिए, और उन्होंने वीडियो देखी भी है। उन्होंने कहा कि मैं इस पे बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा, लेकिन कब करूंगा ये सारी बात देखने में होगी। शुक्रिया पवन, आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, कुछ भी अपडेट होगा तो हम आपका फिर से रुख करेंगे।